मम्मी जी का आज बर्थडे है और का बर्थडे है हमने आज इसलिए खीर पूरी बनाई सुबह आपको ना इतना ही बंद रहा तब बुला लो ठीक है नहीं पता है बंद है कल परसों के बाहर खुले कर रही थी मैंने बिग लगा रखी थी बंदे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Mata ji. So guys, thank you. मम्मी जी का आज बर्थडे है और इनका शायद वीडियो कॉल पे फोन आ गया है. तो हैप्पी बर्थडे जी. एंड रात को हमारी माता जी सो जाती है. यहाँ होती तो थोड़ा और सेलिब्रेशन वगैरह करते बट अभी तो सिर्फ विश किया है. सो या उठ गए हैं और आज खाने में सुबह सुबह बन रहे हैं खीर पूड़ी और पोहे सॉरी पोहे खीर पूड़ी बन के तैयार है. काम देवी बर्तन धो रही है एंड ये लीजिए विश कर खुश रहो खुश रहो. मेरा बर्थडे है क्या बात. आज कुछ भोगों का पूजा भी है मम्मी का बर्थडे भी है. मम्मी होती तो फिर केक वेक भी कट करते. A few moments later. नहीं भाई साहब ये बूट्स अच्छे लगते हैं उसके अंदर कैसा बिल्कुल है? बोल सकते हो आप. रेनू जी को आदित्य के ये वाले बूट्स अच्छे नहीं लग रहे कह रहे कि ये थोड़े हील्स वाले हैं बट ये मेरे भी फेवरेट हैं एंड बहुत सेक्सी लगते हैं ये बूट्स एंड ये रहे. हाँ तो ये आदित्य का लुक मतलब है और मैं भी बूट्स का एक दिन मुझे कलेक्शन करना है कुछ तो हाँ बूट्स अच्छे होते हैं रेनू जी मुझे भी कलेक्शन करना है. बहुत अच्छा हो चुके गए शाम हो गई है और दिन भर अभी मैंने ब्लॉग शूट किया काम वाम में रह गए थे और अभी रील भी अपलोड करी तो काफी कुछ शूट किया. अभी मंदिर रेडी करना है तो वो अभी चल के रेडी करते हैं. इनको क्या तकलीफ है भाई क्या तकलीफ है इनको. आपको ना इतना ही बंद रहा तब बुला लो ठीक है. ये भगवान क्या जुलूम है. ये बातें बताई नहीं जाती फिर भी इतने बढ़िया आ रहे मजा आ गया यार सुन के. थैंक यू सो मच यार गाइस थैंक यू सो मच. इतना मतलब आपको पसंद आया बन रहा है. कल परसों के बाहर खुले कर रही थी मैंने बिग लगा रखी ये असलियत नहीं बोल पता नहीं थी यार. वाह क्या एक्टिंग कर रहा है. कौन कह रहा था मेरी बॉडी नहीं लगी देखा रेनू यार ये असलियत नहीं बताते सॉरी. A few moments later. हाँ जी गाइस तो अभी मंदिर हम सेटअप करने वाले हैं क्योंकि देखो रेंटेड हाउस है. मैं अभी कुछ फर्नीचर ला नहीं रहा हूँ इसलिए यहाँ पर भी ऐसा कुछ मैं फर्नीचर कुछ नहीं सेल कर रहा. मोस्टली टेबल्स मिल जाती हैं हमको घरों में लेकिन यहाँ पर इस बार खाली घर है तो नहीं है और इस बार ऐसे रखा हुआ था मंदिर तो इस बार हम थोड़ा इसको कवर करने वाले हैं इस डेकोरेशन वाली जो अपनी ये सारा सामान है. रेंज जो खोल रही ये रेड वाली नहीं लगाएंगे अपन पीछे की वाइट वाली लगाएंगे. देख रहे हो पूरा मंदिर बना रहा हूँ मैं. रेनू जी सिर्फ एक काम कर रही है सहानुभूति देने का. हाँ जी मैं बैठी मैं कर रही हूँ देखो मुझे. अभी मंदिर कौन सेट करेगा आप. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. इंडिया जीत गया. वो क्या जीत गया. मुझे तो पता ही अभी ऐसे चला कि पाकिस्तान और बीच में मैच था. दिख रहा है मंदिर सेटअप कर देते कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. मंदिर पूरा डन हो चुका है कंप्लीट हो चुका है एंड बहुत कैसा लग रहा है क्योंकि जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है. लग ही नहीं रहा है कि बॉक्स को रैप किया हुआ एंड बहुत प्यारा लग रहा है. पूरा चारों तरफ से लगाते हैं लेकिन फिर साइडों में लगाए क्योंकि रेंटेड हाउस है तो कुछ परमानेंट तो रहेंगे नहीं ऐसा कुछ तो है नहीं. बाकी जब परमानेंट होपफुली जल्दी मुंबई में भी घर करेंगे तो पूरा अच्छे से इंटीरियर करवाएंगे मंदिर भी बनवाएंगे तो तब अच्छे से एक मंदिर पूरा बनवाएंगे. बहुत कुछ सोचा हुआ मैंने इंटीरियर के हिसाब से तो वो सब कभी और. एंड अभी तो बहुत सुंदर लग रहा है मंदिर एंड वाओ वाइब चेंज कर दी है मतलब इतना सुंदर लग रहा है. खाने में क्या है खीर पूरी बची खीर अरे यार खीर मेरी फेवरेट है एंड सुबह भी रिव्यू करना भूल गए तो खीर सुबह भी इतनी टेस्टी बनी थी खीर पूड़ी के साथ मजा आ गया. तो बहुत टाइम हो रहा है आई गेस. हाँ
तो बहुत मतलब बहुत टाइम बाद होती है, इतना स्टफ क्यों रखा हुआ है गंदा वाला। कर देना भाई, भाई ठीक हो ले आओ क्योंकि भूख लग रही है बहुत खतरनाक। खाना परोसा है, थैंक यू टेस्टी खाने के लिए भाई साहब। तो शुरू भी हो गए, लाइट थोड़ी सी कम कर दी हमने क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो गया था। और क्या चाहिए गाइस, भोजन कर रहे तीनों साथ में होना ही चाहिए। तीन जन रहते हैं, मुंडी काटते भी तो तीन जन रहते हैं, एक सबको खाना ही चाहिए घर में जितने भी जन हो, लेकिन एक टाइम का खाना सबको साथ में ही खाना चाहिए। तो अभी हम खाना इंजॉय करते हैं, आप लोग व्लॉग इंजॉय करिए। A few moments later. अब आपको करना ही है। अच्छा, हम तुम्हारे कूली हैं, नौकर हैं, कोई बात नहीं यार, मदद करा दिया करें, कोई दिक्कत थोड़ी है यार। ये लाइटिंग ऑन कर दी, ऐसे क्वालिटी में कमी नहीं होनी चाहिए। चलिए थोड़े से कपड़े भी सुखा देते हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो कपड़े भी हम सुखा देते हैं, थोड़े भारी वजन के हो रहे थे तो रेनू जी से उठाए नहीं जा रहे थे, कोशिश करी उन्होंने तो हम थोड़ी सी मदद कर देते हैं, बड़े दिल वाले यार। बाकी मंदिर बहुत प्यारा लग रहा है यार। चलिए रेनू जी थोड़ी बहुत तो मदद कराएंगे आप इसमें हमारी, चलिए फटाफट आप करवा दीजिए। बाकी वॉक करके हम अकेले आ गए, आप आए नहीं तो बाहर देखते हैं स्टैंड पे क्या हालत। ओहो, स्टैंड पे कपड़े तो बहुत सारे सूख गए, अभी सुखाने लग गए। तरीके से उधर गिर मत जाना जी भैया। तो कपड़े भी सुखा दिए, थोड़ी सी हेल्प करिए, उन्होंने ही सुखाया और भी। एंड थोड़े बैल्कनी में आके बैठ गए हैं, शाम को भी अच्छा लगता है एंड सुकून सा मिल जाता है बैल्कनी में आके। मुंबई बहुत रेयरली मिलती है बैल्कनी, तो बैल्कनी आके बैठ गए हैं। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं एंड आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, ये भी जैसे आप लोग लग रहे हैं। तो बस इनको फैला भी दो यार गाइस, क्या कर रहे हो आप लोग, लाइक ठोको, सब कुछ करो, जो करना है करो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट फॉरगेट टू डू द लाइक बटन, कमेंट, नए उस चैनल पे सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, करना ही है, एंड शेयर करो यार अगर अच्छा लग रहा है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।